वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ विटामिन सी सीरम के बारे में। विटामिन सी सीरम होता क्या है, इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और ये आपको कहाँ से कितने रुपीज़ का कहाँ से कैसा मिलने वाला है, और मार्केट में इसकी इतनी हाई जो डिमांड है वो क्यों है, आज मैं इसी बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो देखना शुरू करते हैं। एक विटामिन सी एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे खाने में पाया जाता है, जो कि आजकल के खाने से थोड़ा जीरो थोड़ा ख़त्म सा होता जा रहा है, क्योंकि आजकल का जो खाना है हम लोगों का वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। हम लोग कुछ भी खाते हैं उसकी वजह से विटामिन सी की कमी होती है हमारे अंदर, और उस जो विटामिन सी की कमी होती है उसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल, हमारे लिप्स के आसपास पिगमेंटेशन, हमारी इवन स्किन नहीं होती है, इनकी स्किन का इवन कलर नहीं होता है, और हमारे चेहरे पे रेडनेस होती है, और हम सोचते हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हमें खुद को भी नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, और सन टैन की प्रॉब्लम से भी, यानी कि सन टैन भी हमको हो जाता है। तो ये सिर्फ विटामिन सी की कमी से ही हमारे स्किन को होता है, और विटामिन सी की कमी को पूरा करता है ये विटामिन सी सीरम। तो ये मेरे पास विटामिन सी सीरम है ग्लैम लाइफ का, जो कि ये एक इतना अच्छा यानी कि इफेक्ट देता है, आप देख सकते हो। जस्ट मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ मैंने एक लिपस्टिक हल्की सी लिप बाम और मैंने एक लाइनर लगाया हुआ है, और जस्ट कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे, कुछ भी नहीं है, और सब आपके सामने है रिजल्ट, इवन स्किन, और ना मेरे को डार्क सर्कल की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर आप मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे, मेकअप ट्यूटोरियल में मैं डार्क जो कंसीलर है वो बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे डार्क सर्कल इतने नहीं हैं। तो वो इसी की वजह से, क्योंकि मैं रेगुलरली विटामिन सी सीरम जो है अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ सुबह। अब मैं आपको बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है किसी क्लींजर से या फेस वॉश से, उसके बाद आपको ये सीरम अपने फेस पे अप्लाई करना है। इस तरीके से 4 से 5 ड्रॉप्स आपको अपने फेस पर लेनी है इस ड्रॉपर की हेल्प से, और अच्छे से मसाज करनी है, और आपका जो डार्क सर्कल है आपके लिप्स के आसपास, पिगमेंटेशन है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है ना फेस पे, वहीं इसको लगाना है, अच्छे से मसाज देनी है, और बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगेगा। थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, बट ड्राई होने के बाद बिल्कुल एकदम चिपचिपापन ख़त्म हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना है, और अपनी आईलिड पर भी ज़रूर अप्लाई करना है आपको, क्योंकि वो ब्राउन सा यानी कि जो डार्क सर्कल होते हैं ना, या ज़्यादा हम फ़ोन वगैरह चलाते हैं आजकल, तो ब्राउन सा अलग सा ही कलर हो जाता है, तो इसलिए अपनी आईलिड को भी बिल्कुल भी ना भूलें, और अपनी नेक एरिया भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। इस तरीके से नेक पर भी आपको सीरम लगाना है, जो कि आपका फेस और आपकी नेक इवन दोनों का कलर लगे, और बस आपको 4 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। उसके बाद आप अपनी सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र जो भी चाहे अप्लाई कर सकते हो। वो इस तरीके की शीशी में होते हैं, कोई अगर विटामिन सी सीरम आपको प्लास्टिक की या किसी भी शीशी में मिल रहा है, तो आप उसको ना लें, कांच की ही शीशी में होना चाहिए। और हमेशा जो विटामिन सी या जो भी सीरम की जो शीशी होती है वो ब्लैक या ब्लू होनी चाहिए, डार्क कलर की होनी चाहिए, क्योंकि डार्क कलर की अगर ये शीशियाँ होती हैं तो जो हमारा जो अंदर सीरम है वो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टे रहेगा, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक वो टिका रहेगा और अच्छा इफेक्ट देगा आपकी स्किन को। सनलाइट वगैरह से बचा के रखना चाहिए अपना जो सीरम है, तो इस वजह से आपको हमेशा ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की ही शीशी में जब भी आपको मिल रहा हो सीरम, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि ब्लैक या ब्लू कलर की शीशी में ही होना चाहिए, कांच की शीशी होनी चाहिए। और थोड़ा जब भी आप उसको अप्लाई करो तो वो थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए, ये भी उसका गुड साइन होता है, यानी कि पता चलता है कि अच्छा सीरम है। चलिए आप मेरी वीडियोज़ में भी देखोगे तो मैं जो कंसीलर वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसी वजह से, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो इवन है। पहले मुझे लिप्स के आसपास की पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत ही बुरा लगता था, और मैं परेशान रहती थी कि इसका सोल्यूशन क्या है, मुझे नहीं पता था। मैं काफ़ी टाइम है कि अभी कुछ टाइम से यूज़ करने लगी हूँ विटामिन सी सीरम, और आप देख सकते हो मेरे लिप्स के आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी क्लीन हो चुका है, पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले बहुत ही फ़र्क है। मेरी पुरानी वीडियोज़ देखोगे ना तो मेरे लिप्स के आसपास का एरिया बहुत ही ब्लैक था, मुझे पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बट अब नहीं है, क्योंकि मैं विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ। और अगर आपको भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है डार्क सर्कल पिगमेंटेशन की या ब्लैक, अगर आपके फेस पे कोई पिंपल्स हो जाते हैं, उनके ब्राउन से निशान रह जाते हैं डॉटेड डॉटेड से, अगर आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप विटामिन सी
सीरम यूज़ कीजिए। और इस सब यही ग्लैम लाइफ का विटामिन सी सीरम जिसे मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत ही सस्ता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसे आता है। कार्डबोर्ड बॉक्स में इस तरीके से आता है, बॉक्स के ऊपर इसके इंग्रीडियंट्स मेंशन किए हुए हैं। मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी इंग्रीडियंट्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता चल जाएगा इसके, अगर आप जानना चाहते हो कि क्या क्या इंग्रीडियंट्स सिरम के अंदर ऐड है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। मैं अगर इस वीडियो में बताऊंगी तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ, एक बात ज़रूर बताऊंगी मैं आपको वीडियो में, इस अगर नीचे की तरफ देखोगे ना बॉक्स में आपको विटामिन ई लिखा हुआ है, अगर विटामिन ई आपको विटामिन सी के साथ मिल रहा है तो उससे अच्छा सिरम कोई हो ही नहीं सकता है। अगर विटामिन ई के फ़ायदे जानना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, मैं विटामिन ई के ऊपर आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और दूसरी साइड इसमें लिखा हुआ है इसका प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसकी क्वांटिटी कितने हैं, यानी कि कितने ग्राम का है। तो बात करते हैं पहले इसके प्राइस की, तो प्राइस इस पे मेंशन किया हुआ है 1500 रुपये, बट लेकिन ये 1500 का नहीं मिलेगा। नॉर्मली कोई सिरम लोगे ना 1500 से 2000 तक का, 2500 तक का आपको मिल जाएगा, बट लेकिन ये सिरम आपको फ्लिपकार्ट पे 500 रुपये का मिलेगा, सिर्फ सच में 500 रुपये का। और इसके मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो है 24 मंथ, ये आपको 2 से 3 साल तक आप इसको चला सकते हो, यानी कि ये बहुत अच्छे से यानी कि रहेगा। और इसकी क्वांटिटी है 30 ml, और जो भी अगर आपको शिकायत है या अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो इस बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है इनकी इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी और इनका व्हाट्सएप नंबर भी, तो चाहो तो आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हो, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब बात करते हैं हम इसकी पैकेजिंग की। तरीके से ये सिरम मिलता है हमें कार्डबोर्ड बॉक्स में, और बहुत अच्छे से ये बॉक्स के अंदर यानी कि सेफ है, ये बाहर नहीं आएगा, ये टूटने वाली नहीं है शीशी, बहुत आराम से आप इसको ट्रैवल यानी कि इसको लेकर ट्रैवल भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको कांच की शीशी मिलती है और ड्रॉपर के साथ मिलती है, ड्रॉपर की हेल्प से आप बहुत आराम से सीरम अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पे, सबसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। 5 ड्रॉप्स आपके फेस के लिए इनफ होंगी, और 5 ड्रॉप्स आपको लेकर अपने फेस पे मसाज करनी होगी बस। और अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है ना, या मैं कुछ बताना भूल गई हूँ, आप जाना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। और आप इसे परचेस करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको जाके इसे फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो वो भी नीचे कमेंट करना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो, मेकअप ट्यूटोरियल्स या किसी भी प्रोडक्ट पर रिव्यू, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जो मेरी आइडिया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी इंस्टा आईडी, मुझे जरूर फॉलो करना। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। सो इस वीडियो के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।